कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू हैबिट फूडीज। ये मेरी न्यू रेसिपी है, चिकन फ्राई करूँगी जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत लजीज। ये मेरी खुद की रेसिपी है, तो जिसका स्टमक ठीक ना हो, कुछ स्पाइसी खाने का दिल कर रहा हो, मतलब कि स्टमक हमेशा ऐसे ही ख़राब नहीं होता कि हम लोग उबली और ऐसी वैसी चीज़ें खाएं, कभी कभी स्पाइस ना खाने की वजह से भी स्टमक जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये मैं अपने लिए बना रही थी, बहुत दिल कर रहा था कोई स्पाइसी चीज़ खाऊं, तो ये चिकन रेडी कर रही हूँ और आप देखिए इसमें क्या क्या डलेगा। तो पहले मैंने चिकन ले लिया, जितने पीसेस मुझे ज़रूरत है उन पर आप इस साथ छोटे छोटे से कट लगा लें, ताकि जो स्पाइस वगैरह है उसका टेस्ट अच्छे से अंदर चला जाए चिकन के। तो नज़र आ रहे होंगे इस तरह आपने इनको कट्स लगाने हैं और थोड़ा सा दूध डालना है। 3 to 4 टेबलस्पून इसमें आप मिल्क ऐड कर दें। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मस्टर्ड पाउडर, तो आप लिक्विड वाला मस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड पाउडर ऐड किया है और मेरी फेवरेट ब्लैक मिर्च, काली मिर्चें ये ऐड करूँगी। ये ऐड करूँगी स्पाइस के मुताबिक, जितना आपको स्पाइस पसंद है आप उतना इसमें डाल दें। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के डाला है। सॉल्ट ऐड करूँगी हसबे जायका, जितना आपको पसंद है उतना आप इसमें सॉल्ट ऐड कर लें। बस इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये आप बना के खाएंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। थोड़ी देर के लिए मैं इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दूंगी। ये लीजिए, सब कुछ अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ूंगी, फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ क्या करना है। चिकन मेरा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं एक छोटा मोटा सा अपना पैन लूँगी, उसमें ऑयल डालूँगी, उसे फ्राई करूँगी। तो चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। चूल्हे की तरफ हम आ चुके हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन के पीसेस डालूंगी, उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करूंगी ताकि चिकन अच्छे से अंदर तक पक जाए। यहाँ से चिकन के पीसेस लें और ऐसे इसमें डाल दें। ये देखिए इतना ज़्यादा मेरा घी गर्म नहीं है, ये वैसे ही बुलबुल कर रहा है, शोर कर रहा है, पर ये इतना गर्म नहीं है। चिकन को अंदर तक पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए हम इसको बहुत हल्की सी आंच पे पकाएंगे ताकि चिकन के पीसेस अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो इतने से काफ़ी हैं, इसको मैं ऐसा ऐसा पकाती हूँ मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो फिर जब ये एक साइड से पक जाएंगे, साइड चेंज करेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। इतनी सी आंच आप रखें ताकि इतनी सी आंच पे ये अच्छे से अंदर तक चिकन पक जाए, ये ना हो कि बाहर से गोल्डन हो जाए और अंदर से बिल्कुल कच्चा हो। जब मैंने इसकी साइड चेंज करके देख ली है, बिल्कुल नहीं जला, बिल्कुल ठीक है, अच्छे से ये अंदर तक पक रहा है। देखिए बिल्कुल भी इस आंच पे ये ज़्यादा पक नहीं रहा, जल नहीं रहा, कुछ भी ठीक से पक रहा है। मेरा अच्छे से पक चुका है, अच्छे से गोल्डन भी हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में या एक बाउल में निकालूंगी और नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ कि इसको क्या करना है। ये देखिए कितना मज़े का गोल्डन फ्राई हो चुका है, चिकन बिल्कुल जला हुआ नहीं है, अंदर तक पका है और पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। इतना सा मैंने पका लिया और ये मैंने पकने के लिए फिर से रख दिया है। इसको हम पकने देते हैं, उसका मैं आपको बता देती हूँ कि उसका सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है। हमने ऐसा करना है कि रेड चिली पाउडर लेना है, ठीक है, उसको हमने 1 चम्मच भर के ऐसे इसके ऊपर डालना है। इसको डाल के जितना आपको स्पाइस चाहिए, मुझे थोड़ा ज़्यादा खाना है इसलिए मैं ज़्यादा ही डाल रही हूँ, ऐसे डाल के हमने इसको शेक करना है ताकि अच्छे से सारी मिर्चें आगे पीछे ऊपर नीचे करके इसके लग जाए चिकन को, तो फिर ये सर्व करना है। बस इतना सा काम करना है, इसको मैं शेक करती हूँ और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
आप देख सकते हैं मेरा क्रिस्पी फ्राइड चिकन रेडी है, बहुत ही मज़े का बना है। सीरियसली आप लोगों ने ऐसे ज़रूर ट्राई करना है और आप लोगों को इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि आप बार बार से ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों ने इसे ट्राई करना है, मुझे फीडबैक देना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। इसके साथ मैंने सर्व किया है ड्रिंक के साथ, बहुत मज़ा आएगा। रात के 12 बज रहे हैं और अब मैं इसे खाऊंगी। आप लोग मेरी इजी और सिंपल रेसिपीज़ को अगर लाइक करते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मैं भी अपनी दुआओं में आप लोगों को ज़रूर याद रखूँगी। जाती हूँ मैं इसे खाने के लिए। अल्लाह हाफिज़।